वायरस को लेकर लॉकडाउन 2 आज से शुरू हो गया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच किन्हें छूट मिलेगी, किन्हें नहीं मिलेगी, इसकी गाइडलाइंस जारी हो गई है। फिलहाल स्थिति लगभग वैसी ही रहेगी जैसे पिछले 21 दिनों में रही है। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, यातायात एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर पाबंदी रहेगी, खेती किसानी से जुड़े काम को छूट दी गई है। लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आज नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी इस गाइडलाइन के मुताबिक ना तो हवाई सेवा चालू रहेगी और ना ही मेट्रो या बस चल सकेंगी। हालांकि पहले से जिन्हें छूट मिली है वो जारी रहेगी। इसके अलावा खेती किसानी से जुड़े कामों के लिए भी नई गाइडलाइंस में रियायत दी गई है। नई गाइडलाइंस में क्या क्या सख्ती बरती गई है वो जान लीजिए। दफ्तर और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर 5 या उससे ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे। राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे। फिलहाल परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। पूरे देश में रेल, हवाई और सड़क यात्रा पर रोक लगाई गई है। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी बंद रखा जाएगा। राजनीतिक सभाएं, धार्मिक आयोजन भी 3 मई तक नहीं होंगे। देश में सभी मंदिर और पूजा स्थल 3 मई तक बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 2.0 के दौरान जिन गतिविधियों पर छूट रहेगी उसमें कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी। मतलब ये कि किसान और खेत मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेतों में काम कर सकते हैं। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार है। दूध और दुग्ध उत्पादन के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी। बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। इसके साथ ही इस बार गाड़ियों, ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट दी गई है। पीएम मोदी ने मंगलवार के अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा कड़ाई रहेगी। इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जाएगी। इन छूट पर ही आज नई गाइडलाइंस जारी हुई है।